सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम। इस वीडियो के एंड तक जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम सीखने वाले हैं कि हमारे एयर कंडीशनर में जो पीसीबी बोर्ड होता है उसमें रिले लगी होती है। ये जो आप रिलेज देख सकती हैं जो हमारे कंप्रेसर को ऑन करती है, तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं प्रॉपरली कि ये सही वर्क कर रही है या नहीं सही वर्क कर रही। अक्सर ऐसा होता है कि ये जाम हो जाती है, इसका पॉइंट जो है वो स्पार्क होने की वजह से किसी एक साइड पर कनेक्ट रहता है, वहाँ से डिसकनेक्ट नहीं हो पाता, तो आपका या तो आउटडोर यूनिट कह लेंगे मुसलसल चलता रहता है, या तो कह लें कि उसको सप्लाई ही नहीं मिलती। तो आप डायरेक्टली मतलब कि ये मोस्टली फॉल्ट आता है कि आउटडोर यूनिट जो है वो नहीं ऑन हो रहा, मतलब इंडोर यूनिट से सप्लाई नहीं आ रही होती। कई बार ये फॉल्ट्स आता है, ऐसे फॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो इस फॉल्ट को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने रिले को चेक करके। अगर आपकी रिले ओके होगी तो आपका मतलब कोई और इशू होगा, सेंसर का इशू होगा। अगर आपकी रिले फॉल्ट है तो आप सिंपल रिले को चेंज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ मेरे फ्रेंड का, चांद का, मेरा फ्रेंड है चांद, उसका यूट्यूब चैनल है और वो मेरे साथ ही काम करता है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस वहाँ पर वो अपलोड कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, RAC HVAC से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी वो वीडियोस जो है वो अपलोड करता है, तो उसको जाकर जरूर सपोर्ट करें और उसका चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर आपके पास होना चाहिए मीटर, जिसकी मदद से आप इसको टेस्ट कर पाएंगे। मैंने दो रिले अलग अलग PCB बोर्ड से जो है वो निकाली हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस रिले में आपको ऊपर ही डिटेल मेंशन की गई है, ठीक है, 220 वोल्ट। इसमें सिर्फ सर्किट ये होता है कि इसमें अगर आपका फेस इन है तो जब इसको DC 12 वोल्ट मिलेंगे तो इसने फेस आउट कर देना होता है, मतलब आउटडोर यूनिट को निकाल देना होता है, ठीक है। अभी ये भी सेम यही है, ये मेरे पास जो मौजूद है ये मैंने और PCB बोर्ड से निकाली थी, मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दूँ, इसके ऊपर भी काफ़ी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। 20 एम्पेयर की ये रिले है, 20 एम्पेयर से ज़्यादा इसमें क्रॉस होंगे तो ये जल भी सकती है रिले, ओके। अब इसमें चार पॉइंट होते हैं, हमेशा चार पॉइंट होंगे। अभी ये वाली जो है रिले, इसमें भी नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी 1, 2, 3, 4 पॉइंट हैं, इसमें भी 1, 2, 3, 4 पॉइंट हैं। इसके नीचे नंबरिंग भी दी गई होती है, आपने नंबरिंग को फॉलो नहीं करना, आपने इसमें ट्रेस करनी है। इसमें दो पॉइंट ऐसे हैं जिसमें क्वाइल होगी, मतलब जिसमें क्वाइल होगी, जिसको 12 वोल्ट मिलेंगे वो क्वाइल जो है एक पॉइंट को अगले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देगी। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, वैसे तो इसके ऊपर डिज़ाइन में भी बना हुआ है ये, और ये पॉइंट है, इसके दरमियान आप देखेंगे तो एक ये रिंग सा बनकर इसके साथ कनेक्ट है, मतलब 4 और 2 नंबर के दरमियान ये क्वाइल हमें यहाँ पर ही शो कर रहा है और इसके दरमियान में कुछ भी नहीं है, ओके। तो ये तो हमें ऐसे ही कंफर्म हो गया कि ये 2 क्वाइल के हैं, मतलब यहाँ पर हमने 12 वोल्ट, जैसे बैटरी मेरे पास मौजूद है 12 वोल्ट हमने DC यहाँ पर देने हैं, तो वो इस अगर यहाँ पर फेस होगा तो वो यहाँ पर फेस ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ पर क्वाइल जैसे ही ऑन होगी। अभी इसी तरह यहाँ पर भी कुछ मौजूद है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 नंबर के दरमियान में ये क्वाइल मौजूद है और 4 और 3 के दरमियान में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा है NC, मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, मतलब नॉर्मल क्लोज, यहाँ पर नॉर्मली ओपन है ये NO, ये लिखा हुआ है NO नॉर्मली ओपन, ये ओपन है अभी सर्किट। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक सिंबल बना हुआ है, जैसे ही करंट पास होगा तो वो नीचे की तरफ पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा, तो इस पर अगर आपका फेस खड़ा हुआ था यहाँ पर तो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फेस होगा वो हमारा आउटडोर यूनिट में लगा हुआ है, तो मतलब हमारा आउटडोर यूनिट ऑन हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अब मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर अगर नंबरिंग नहीं दी गई हुई, मतलब कि यहाँ पर ड्राइंग नहीं बनी हुई, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया अभी कि इसके ऊपर ये हमें 1 और 2 के दरमियान कॉइल देखने को मिल रहा है, जैसे उसके ऊपर रिंग टाइप बना हुआ था तो पता चल गया कॉइल है और इसके दरमियान में पॉइंट डिस्कनेक्ट है, तो मतलब ये 2 पॉइंट हमारे जो कंट्रोल के हैं, मतलब यहाँ पर फेस हम लगाएंगे और यहाँ पर आउटपुट फेस निकलेगा वो है। तो अगर नहीं भी हमें पता तो हम कैसे मीटर से ट्रेस कर सकते हैं, तो चलिए ये सीख लेते हैं। मीटर को आपने सेलेक्ट कर लेना है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर, ये है कंटिन्यू वाला ऑप्शन, सेलेक्ट पर हम क्लिक करके अगर कहीं आगे पीछे आए तो हम सेलेक्ट पर करके इसको कंटिन्यू, यहाँ पर रेजिस्टेंस पर है और अभी ये माइक्रोफेरेड नैनोफेरेड पर है, अब ये कंटिन्यू वाला ऑप्शन हमें मिल गया, रेजिस्टेंस हम कंटिन्यू में चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू पर रखकर इसको टेस्ट करेंगे, ओके। सबसे पहले मीटर को टेस्ट कर लेते हैं, ओके, मीटर हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। हमने अब दो दो पॉइंट में जो है ट्रेस करना है, जैसे कि ये पॉइंट है एक मेरे पास और ये पॉइंट है,
जिन दो के दरमियान आपको रेजिस्टेंस शो होगी तो वो आपके कॉइल के होंगे, डीसी वोल्ट के होंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें शो हो रही है, ओके, इनके दरमियान नहीं हो रही, और ऊपर वाले के साथ लगा लेते हैं तो यहाँ पर भी नहीं हो रही। अभी अगर मैं इस साइड पर आकर कनेक्ट करूँ तो इन दोनों के दरमियान बिल्कुल भी नहीं हो रही, यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं। तो मतलब कि हमें जो जो पॉइंट दो ऐसे मिलेंगे जिसके दरमियान में यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू शो होगी, तो मतलब वो कॉइल के हैं। तो मतलब ये वाले जो पॉइंट हैं इस तरफ वाले, ये हमारे उसके हैं 12 वोल्ट डीसी के, जहाँ पर 12 वोल्ट डीसी इसको मिलता है। तो फौरी से जो है इन दो के दरमियान भी फिर सर्किट बन जाता है। तो अब हम यही टेस्ट करने वाले हैं कि ये सर्किट बनाता है कि नहीं, इसको फाइनली हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। इसको भी आप सेम वैसे ही टेस्ट करेंगे, जिन दो के दरमियान जो है आपको मीटर पर रेजिस्टेंस शो होगी वो आपके 12 वोल्ट होंगे, और जिन दो के दरमियान नहीं शो होगी वो आपके जब 12 वोल्ट मिलेंगे तो तब वहाँ पर जो है कंटिन्यू बनेगी। मतलब नॉर्मली ये क्लोज ओपन ओपन होते हैं, तो क्लोज़ करने के लिए इसको 12 वोल्ट देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास बैटरी है जिसकी मदद से मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ, ओके। इसको पॉइंट थोड़े से दूर हैं तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अब इसमें तो हमें ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ही यहाँ पर बना हुआ है ये एक साइन सा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 4 और 2 के दरमियान आप देख सकते हैं कॉइल सा बना हुआ है, इसमें और इसमें कनेक्ट है। मतलब ये दो जो है डिस्कनेक्ट हैं अभी आपस में। सबसे पहले मैं आपको ये चेक करके भी दिखा देता हूँ ताकि क्लियर अच्छे से हो सके। वहाँ पर आपने देखा रेजिस्टेंस बन रही है, ओके। अब ये जो ऊपर वाले दो पॉइंट हैं यहाँ पर हम फोकस थोड़ा सा करेंगे, तो इन दो के दरमियान अभी कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं है, ना रेजिस्टेंस ना कंटिन्यू। जब यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी मिलेगा तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ओके। ये यहाँ पर मैं करूँगा तो हमें वहाँ पर साउंड सुनाई देना चाहिए, ओके ओके। तो अभी मैं यहाँ पर जो है क्या कर लेता हूँ, मेरे पास ओके तो सॉरी मैंने वीडियो को स्टॉप किया क्योंकि मैं यहाँ पर पॉइंट लगा रहा था ताकि हमारे लिए चेक करना आसानी हो। यहाँ पर हमारा मान लीजिए फेस खड़ा हुआ है, ओके, फेस जो हमने डायरेक्ट रिले के ऊपर दिया हुआ है, तो जब रिले ऑन होगी तो आउटपुट वाला फेस जो है वो हमारा आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर को ऑन करेगा, न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट आउटडोर यूनिट में जाएगी, ओके। तो ये मैंने इसलिए लगाया है ताकि ये मैं इसमें कनेक्ट करके रखूँ और हम आसानी से इसको जब डीसी वोल्ट देंगे तो हम आसानी के साथ यहाँ पर इसको टेस्ट कर सकें। मतलब वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब दो हैंड है तो काम करना थोड़ा मुश्किल था, ओके। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है तो कंटिन्यू सर्किट बिल्कुल भी नहीं है, ओके। अब ये दो जो पॉइंट हैं हमारे कॉइल वाले, यहाँ पर हमने जो है कनेक्ट करना है अपना डीसी वोल्ट। ये मेरे पास 12 वोल्ट 6 वोल्ट की मेरे ख्याल से 9 वोल्ट सॉरी ऊपर लिखा हुआ है 9 वोल्ट की है। तो यहाँ पर आपको एक सुनाई साउंड भी सुनाई देगा, टिक इस तरह से आवाज़ इसमें से आएगी। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ, जैसे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमें कंटिन्यू देंगे, ओके। मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ इसको, ओके। ये मैंने डिसकनेक्ट किया, फिर कनेक्ट कर लेता हूँ, तो मतलब कि ये फोरी ऑन हो जाती है और वहाँ पर कंटिन्यू सर्किट बन जाता है। अब तो आप अच्छे से क्लियर इसको समझ गए होंगे कि यहाँ पर जब 12 वोल्ट आएंगे, सेंसर ने सेंस किया अभी रूम का टेम्परेचर नॉर्मल है, यहाँ पर कूलिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पर जो है 12 वोल्ट भेजेगा। 12 वोल्ट जैसे ही आएंगे तो जो फेस यहाँ पर खड़ा होगा वो आउटडोर यूनिट में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू सर्किट बन जाएगा, फेस आपका ट्रांसफ़र होकर आउटडोर यूनिट में चला जाएगा और आप आसानी से अपने आउटडोर को चलता हुआ देख सकेंगे। तो ये तो आसानी से क्लियर हो गया। ये रिले बाहर मौजूद थी, आप रिले को अंदर लगे हुए भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये रिले है तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, वापस ये तारे जो है वहीं पर लगा लेता हूँ, और वहीं पर लगाने के बाद मैं आपको ये लगे लगे में ही चेक करना बता देता हूँ कि ये बहुत ही ईजी है। आप लगे में ही पीसीबी में यानी कि इसको चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है पॉइंट बीच में जो है स्पार्क होकर कनेक्ट हो जाता है बीच में ही, तो वो जो है ट्रांसफ़र आगे अगर आपका फेस है तो वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा होता, तो इसलिए वो रिले ख़राब हो जाती है। तो रिले को फिर आप चेंज कर सकते हैं। रिले के 1, 2, 3, 4 जो है नीचे सोल्डरिंग पॉइंट होते हैं जो कि आप आसानी के साथ बाद में रिमूव वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको जो है पहले चेक कर लेता हूँ इसमें जो है कंटिन्यू हमें मतलब कहाँ पर जो है 2, 4 पॉइंट है यहाँ पर आपने देखा, तो किस में जो है हमें रेजिस्टेंस मिल रही है वो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके। यहाँ पर रेजिस्टेंस शो हो रही है,
और यहाँ पर कंटिन्यू बिल्कुल भी शो नहीं हो रही। तो मतलब ये तो जो पॉइंट है हमारे, ये पॉइंट हैं हमारे दूसरे जो कॉइल वाले पॉइंट हैं, और ऊपर वाले जो पॉइंट थे जहाँ पर कंटिन्यू नहीं बनी, वो पॉइंट हमारे फेज़ कंट्रोल हैं, इन और आउट। अभी वहाँ पर नॉर्मल सर्किट नहीं है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर डीसी वोल्ट जो है वो दूंगा, जहाँ पर ये हमने देने हैं, तो ये फौरी ऑन हो जाएगी। तो हम देखेंगे कंटिन्यू बन रहा है कि नहीं। ओके, तो मतलब जैसे ही कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर सर्किट अच्छे से बन जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अमेजिंग लगी होगी, और इससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर न्यू सीखने को मिला होगा। रिले को चेक करना बहुत ही इजी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको शायद ही कोई डाउट रहा हो। मुझे नहीं लगता कोई अभी भी कुछ रहता होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नहीं है तो फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ घंटी के बटन पर प्रेस कर दें। और शुरू में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक चांद भाई के चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो जो है RAC HVAC से रिलेटेड अपलोड कर रहे हैं। मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं, तो आप उनका चैनल भी विजिट कर सकते हैं, उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, उनको सब्सक्राइब भी करें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।